पांडित्य में छोटा कर भी बड़प्पन अनुभव करने लगे। भगवान श्री राम बिल्कुल कोल भील बनवासी गिरिवासी उपेक्षित अविकसित इनको बड़ा बनाते हैं। भगवान श्याम सुंदर हमारे ब्रज के गमार ग्वालों को बड़प्पन प्रदान करते, जो छोटों को बड़ा कर दे वही बड़ा है। इधर भगवान पुष्प चयन करने के लिए बाग में और इधर राजभवन में सुनैना माँ ने जानकी बेटी को कहा, जानकी बिटिया कल तुम्हारा स्वयंवर होने जा रहा है और आज जो कल तो तुमको समय नहीं मिलेगा, इसलिए आज बाग में जाओ और गौरी माँ का पूजन करके माँ से अपने मनोनुकूल वर का वरदान लेकर आओ। अष्ट सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए श्री किशोरी जी का शुभागमन। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लई। हाँ पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लई। पूजन की करके सुभग सयानी गावे
किशोरी जी का शुभागमन, थोड़ा इस विषय पर गंभीरता में आ जाइए। दो मिनट का मैं आपसे समय चाहूंगा। भगवान आए हैं गुरु पूजन के लिए और किशोरी जी जानकी जी आई हैं गौरी पूजन के लिए, और दोनों की आयु किशोर अवस्था है। वय किशोर सब भांति सुहाई, विवाह से पूर्व भगवान गुरु पूजा के लिए आए हैं, जानकी जी गौरी पूजन के लिए आए। और भगवान ने, जानकी जी ने, जगत के माता पिता हैं, करके दिखाया है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा करो, वैसा आचरण जियोगे तो तुम्हारे घर में राम राज्य होगा। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में एक मूलभूत अंतर है। भगवान श्री राम ने करके दिखाया है और भगवान श्री राम ने बोलकर बताया है आप ऐसा ऐसा करिए, वो गीता में बोले हैं। भगवान श्री राम बोले नहीं हैं, उन्होंने करके दिखाया है। और ये सिद्धांत है, राम ने जो किया वो करिए और कृष्ण ने जो बोला वो करिए। अगर मान लीजिए आपने दोनों को उलट दिया, कृष्ण ने जो किया है अगर वो करना शुरू कर दिया तो गली गली में ठुकाई होगी, जिधर निकलोगे उधर ही ठोके जाओगे। इसलिए कृष्ण ने जो बोला है वो करिए, राम ने जो किया है। किशोर अवस्था, भगवान गुरु जी के चरणों में। गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु कोई देहधारी व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। गुरु माने गरिमा, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने प्रकाश, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने सदाचार, गुरु माने सद्गुण। ये जितने भी सद्गुण हैं ये सब गुरु में विराजमान है, और सारे सद्गुण जब एक साथ अवतार लेकर आते हैं तो गुरु का देह रूपी जो स्वरूप है फिर वो हमारी आंखों में दिखाई देता है। लेकिन गुरु पूर्ण तत्व है, गुण है। भगवान गुरु क्यों आए? और किशोर अवस्था ये जीवन की सबसे खतरनाक और महत्व की अवस्था होती है। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक बालक शिशु होता है, इसलिए बच्चा जब लघु शंका करता है उसको शुशु कहते हैं। शुशु, शिशु से ही शुशु बना है। 7 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु बाल होती है, 14 से 21 वर्ष तक की आयु किशोर अवस्था होती है, 21 से 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सतु 49, ये 4 चक्र युवावस्था के, और उसके बाद प्रौढ़ और वृद्धावस्था जो भी है। ये जो 14 से 21 वर्ष की आयु है ये सबसे महत्वपूर्ण जीवन की अवस्था है। इसमें बेटे और बेटियां अगर गलत दिशा की ओर चले गए तो कोई सत्संग, कोई सदगुरु, भगवान भी उनको बचा नहीं सकता, उनको कहीं ना कहीं पतन में जाना है। और 14 से 21 वर्ष तक की आयु में अगर व्यक्ति के कदम ठीक दिशा में चले गए तो दुनिया में अकेला सीना तान कर चला जाए, उसको कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। ये सबसे महत्व की बात है। 14 वर्ष की अवस्था शुरू होते ही बालक बालिकाओं में रजोगुण बनने लगता है, अहंकार जगने लगता है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं, उद्दंड होना शुरू हो जाते हैं, छुप कर जाना शुरू कर देते हैं, आंख छुपाना शुरू कर देते हैं, माता पिता की आंखों से ओझल होना, बचना शुरू कर देते हैं, अनुशासनहीनता करना शुरू कर देते हैं, जिद करना प्रारंभ कर देते हैं। ये 14 से 21 वर्ष की आयु बहुत महत्व की, बहुत खतरनाक आयु है। हम सब गृहस्थी बैठे हैं, इसलिए बच्चों के प्रोवाइडर मत बनिए, उनके पालक बनिए। आप चीज़ें प्रोवाइड कर देते हो, कितनी शुल्क, कैसा हॉस्टल, कैसा विद्यालय, ये सब करते हो, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या संगत है, कहाँ गए, कहाँ से आए, तकिया के नीचे क्या है, अलमारी में क्या रहता है, किसको फ़ोन करते हैं, किससे बातें करते हैं, आपको होश ही नहीं है। और जब तोते हाथ से उड़ जाते हैं तो केवल रोना बसता है आपके पास, और कुछ बसता नहीं। इसलिए भगवान ने करके बताया है। भगवान गुरु की ओर, गरिमा की ओर, गंभीरता की ओर, ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर, शिखर की ओर, सदाचार की ओर, सद्गुणों की ओर। और पार्वती जी केवल शंकर जी की अर्धांगिनी ही नहीं है, पार्वती जी भी गुणों का प्रतीक है। पार्वती माने गरिमा, पार्वती माने गंभीरता, पार्वती माने ममता, पार्वती माने प्रेम, पार्वती माने दया, पार्वती माने करुणा, पार्वती माने संवेदनशीलता, पार्वती माने सेवा, पार्वती माने समर्पण। ये जितने भी सद्गुण हैं स्त्रीवाचक, ये सब पार्वती जी का रूप है, गौरी का रूप है। परिवार तर्क से नहीं चला करते, परिवार समर्पण से और ममत्व से चला करते हैं। और मैं बोला करता हूँ, परिवार टूटता है
तो महिला की कर्कश वाणी से टूटता है, और परिवार अगर जुड़ता है तो माँ के आंसुओं से जुड़ा करता है। इसलिए जीवन में तर्क नहीं चाहिए। आज की बेटियां थोड़ी तार्किक होती जा रही, ये उनके लिए शुभ नहीं है। तार्किक स्त्री नहीं चाहिए, स्त्री अश्लील भी नहीं चाहिए, निर्लज्ज भी नहीं चाहिए, शीलवान स्त्री चाहिए, लज्जा से ढकी हुई स्त्री चाहिए, जिसकी आंखों में करुणा हो, जिसकी वाणी में मधुरता हो, जिसके हृदय में ममता हो, जिसके हाथों में कर्मठता हो, जिसकी गति में मर्यादा हो, जिसके स्वरूप में शालीनता हो और स्वभाव में सौम्यता हो। दर्शन करते ही हाथ जुड़ जाए, सिर झुक जाए, देवी का जैसे दर्शन किया, इतनी पवित्रता आनी चाहिए। आज थोड़ी थोड़ी निर्लज्जता की हो, इस मंच से बोलना मुझे शोभा नहीं देता। बेटियों के शरीर के कपड़े आज घट रहे हैं, ये उनके लिए हानिकारक है। स्त्री निर्लज्ज नहीं, स्त्री लज्जा से, शील से ढकी हुई चाहिए, तब भारत की संस्कृति बचेगी। ये ऐसा वैसा छोटा मोटा देश नहीं है, ये भारत देश है जहाँ सीताओं का जन्म धरती से हुआ है। गालो एक बार, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहां सिंह बन गए खिलौने, भगवत साक्षात्कार के लिए, भगवान से संबंध जोड़ने के लिए, भगवान से विवाहित होने के लिए तीन कार्य करने पड़ेंगे। पहले बाग में जाइए, सत्संग को बाग कहा है, संत सभा चौदिश अमराई। लेकिन सत्संग में तो बहुत लोग जाते हैं, संतों के पास तो बहुत लोग जाते आते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं मिलते। तो केवल सत्संतों के पास जाने से काम नहीं चलेगा, तो सरोवर में स्नान भी करना पड़ेगा। सरोवर क्या है? संत हृदय जस निर्मल बारी। किसी संत के हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा। हमारे हृदय में किसी संत का स्थान है, ये सामान्य भाव है। किसी संत के हृदय में हमारा स्थान बन चुका है, ये भाव की पराकाष्ठा है। हम किसी संत को याद करते हैं, ये सामान्य भाव है। कोई संत पूजा के आसन पर बैठकर हमको याद करते हैं, ये भाव की पराकाष्ठा है। अपने आचरण से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से किसी संत के हृदय में प्रवेश कर जाना, दूसरी क्रिया। और तीसरी गौरी पूजन। गौरी माने श्रद्धा। श्रद्धा के दो अर्थ हैं बंधुओं और बहनों। एक तो श्रद्धा कहते विनम्रता को, श्रद्धा कहते दैन्यता को, ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। लेकिन जो हमारे अर्थ में मुझे अनुभव में आया है, श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा कहते शुभ की भूख को, शुभ कार्य और करूं और करूं और करूं, जितनी माता पिता की सेवा होनी चाहिए उतनी नहीं कर पा रहा हूँ, और करूँ और करूँ और करूँ, जितना भजन पाठ करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा हूँ, और करूँ और करूँ और करूँ, जितनी गुरुदेव की सेवा होनी चाहिए मैं नहीं कर पा रहा, और करूँ और करूँ और करूँ, जितनी मेरी आमदनी है उसके अनुसार जितना दान पुण्य करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और करूँ और करूँ और करूँ,
ये जो शुभ की और की जो भूख है, ये श्रद्धा ये जितनी बढ़ती जाएगी, परमात्मा का प्रकाश आपके ओर उतना प्रकट होते जाएगा। गौरी पूजन के समय एक सखी ने कहा, अरे यहाँ देवी का दर्शन कर रही है, चल दोनों राजकुमारों का दर्शन। और जब जानकी जी चली हैं भगवान की ओर, उनके आभूषण बजे कंकन किंकिन नूपुर धुनसुन, तो प्रभु ने पुष्प चयन करना बंद कर दिया, उस दिशा की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे और कहा, लखन ये कौन आ रहा है, लगता है कामदेव मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। भगवान टकटकी लगाकर देख रहे हैं कौन आ रहा है। देखो बंधु, हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, हम वृंदावन जाते हैं बिहारी जी का दर्शन करने, पर्दा लगा है और पर्दे के बाहर हम आंगन में खड़े हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि पुजारी जी कब पर्दा हटाएं और कब हम बिहारी जी का दर्शन करें। ये सामान्य दर्शन है, बिहारी जी के मंदिर का पर्दा लगा है और हम खड़े हैं आंगन में और पर्दे के अंदर भगवान टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि पुजारी कब पर्दा हटाए और कब मैं अपने भक्त का दर्शन करूं। ये भाव की पराकाष्ठा, हमने ही ठेका ले लिया है क्या? क्या भगवान की कभी इच्छा नहीं होती हमारा दर्शन करने की? प्रेम कभी तरफा नहीं हुआ करता? प्रेम को दोनों ओर से ही व्यवहार करना पड़ता है, हम नहीं केवल ठेका। और भगवान हमारे नामदेव जी के लिए भगवान उचक उचक कर देखा करते भीड़ में, अभी मेरा नामा नहीं आया, मेरा नामा नहीं। भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, ये बहुत बड़ी स्थिति है। शायद मैंने पहले सुनाया नहीं सुनाया, मुझे ध्यान नहीं, हमारे सूरदास जी के जीवन की घटना है। संध्या आरती के समय सूरदास जी यतिपुरा में जाते थे श्रीनाथ जी के मंदिर, तो लालटेन लेकर जाते थे, अंधे थे तो कोई टक्कर आ ना जाए तो लालटेन रखते थे। तो जब पुजारी जी पर्दा हटाते थे और श्रीनाथ जी का दर्शन, तो कंधे पर लालटेन रखे जोर जोर से चिल्लाते थे सूरदास जी, जय हो श्रीनाथ जी की, जय हो गिरिराज जी की, जय हो श्रीनाथ जी। एक दिन एक साधु ने मजाक कर दिया, बोले बाबा हो तो तुम अंधे और हल्ला ऐसो मचा रहे हो जैसे तुम्हें ही सब कुछ दिखाई दे रहे हो, तुमको तो कुछ दिखाई देता नहीं, तो ये लालटेन रखने से क्या फायदा है। ये जब साधु ने व्यंग किया तो सूरदास के नेत्र डबडब आ गए और सूर ने कहा कि बेटा ये कोई नई बात तो तुम कह नहीं रहे हो, मैं तो जन्मांध हूँ, सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये तुम उलाहना दे रहे हो मुझे कि दिखाई तो तुमको देता नहीं है, ये लालटेन अपने कंधे पर रखकर हल्ला क्यों मचा रहे हो। तो सूरदास जी ने कहा मैं ही तो अंधा हूँ, मुझे ही तो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, मैं तो लालटेन कंधे पर रखकर इसलिए हल्ला कर रहा हूँ कि लालटेन की रोशनी में कम से कम श्रीनाथ जी को तो सूरदास दिखाई दे जाएगा कि वो खड़ा हल्ला मचा रहा है, वो तो देख लेगा कम से कम, मुझे तो नहीं दिखाई देगा लेकिन ठाकुर जी की तो दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी। तो भगवान टकटकी लगाकर, इतने में तो सामने से तेई अवसर, उसी समय जानकी जी दूर से दिखे, भगवान का लखन वो देखो, तात जनक तनयाय सूरी कंसेय एकदम भगवान ने लक्ष्मण जी का लखन वो देखो, तात जनक तरह गौरी पूजन करने सखियों के साथ इस समय बाग में पधारी हैं, पूरे वातावरण में भक्ति का प्रकाश। भगवान श्रृंगार की चर्चा करने लगे लेकिन भगवान ने सावधान कर दिया, लखन मैं इनके दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हूँ, हम तो रघुवंशी हैं भैया, और मैंने तो स्वप्न में भी कभी परिस्त्री का ध्यान नहीं किया, जही सपने ऊपर नारी ने हेरी, पर पता नहीं विधाता आज क्या चाहता, आज मेरे दायांग भड़क रहे हैं, हमने तो कभी कुमार्ग पर स्वप्न में भी पैर नहीं रखा, इतना हमारा मन सावधान है कि भूल न दई कुमार्ग पाऊ, मैंने तो स्वप्न में भी पर स्त्री का कभी स्वप्न में भी मुझे ध्यान नहीं आया। भगवान लक्ष्मण जी को समझा रहा,
चूंकि लक्ष्मण जी जैसी पवित्र आत्मा सृष्टि में कोई दूसरी नहीं। लक्ष्मण जी ने जीवन में एक बार भी यानी कभी भी जानकी जी को भाभी कहकर नहीं बोला, हमेशा माँ कहकर बोला करते थे। और लक्ष्मण जी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन भर जानकी जी का कभी चेहरा नहीं देखा, हमेशा चरणों के दर्शन किए। ये तो बात तब पता लगी जब सुग्रीव ने आभूषण दिखाए तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, क्या पहचान सकते हो? बोले नूपुरे अहम जाना। ऐसी दिव्य चर्चा, इतने में तो लता भवन से प्रकट भय पुरुष सिंह दो वीर। जानकी जी ने प्रभु को नेत्र भरकर दर्शन किया, लोचन मग और राम ही आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, नेत्रों के मार्ग से भगवान की मनोहारी छवि हृदय के अंदर बसा ली और पलक बंद कर लिए, दीन्हे पलक कपाट सयानी। बंधु और बहनों, आँख से ही पाप प्रवेश होता है, आँख से ही पुण्य प्रवेश होता है, आँख से ही राम प्रवेश होते हैं, आँख से ही हमारे भीतर काम प्रवेश होता है। प्रवेश द्वार आँख है, निर्णय हमको करना है कि काम को प्रवेश देना है कि राम को प्रवेश देना है, भोग को प्रवेश देना है कि भगवान को प्रवेश देना है, निर्णय हमको करना है। बहुत देर तक जब भाव में डूबी रही, एक सखी ने कहा, देवी दर्शन तो ये देवता का दर्शन कर ध्यान में बाद में करना। और पुनः जब जानकी जी ने नेत्र खोलकर एक बार प्रभु के मुखमंडल को दोबारा से निहारा तो जानकी जी घबरा गई। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भगवान के मस्तक पर पसीने की थकान की बूंदें। जानकी जी तो घबरा गई, अरे विधाता, मैंने तो मोहनी मूरत सांवली सूरत हृदय में बसा ली और ये तो इतने कोमल हैं नाजुक हैं कि इनको फूल की कली तोड़ने में पसीना आ रहा है, ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? अतिशय ममता में ऐसी बातें आया करती हैं। एक बार गोस्वामी जी ने भगवान से प्रश्न कर दिया, भगवान कई बार तो आपकी लीला बड़ी विचित्र हो जाती है। बोले कैसे? बोले 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए उसको तो आपने यों ही तोड़ दिया, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काउ न लखा देख सब ठाड़े, और फूल की कली तोड़ने में आपको पसीना छूट गया, ये क्या लीला है? भगवान ने कहा, गोस्वामी जी आपको तो मालूम है कि धनुष अहंकार का प्रतीक था, कठोरता का प्रतीक था, अहंकारी को कठोर को तोड़ने में तो मुझे बिल्कुल परिश्रम नहीं करना पड़ता, पर क्या बताऊं फूल जैसी कोमल भावनाओं को तोड़ने में तो कई बार मुझे भी पसीना छूट जाया करता है कैसे। और ये सामान्य कलियां नहीं थी, भक्ति के बाग की कलियां, भक्ति की कोमल भावनाओं को तोड़ना तो भगवान के भी वश की बात नहीं। जानकी जी पुनः गौरी के मंदिर में आई हैं, गई भवानी भवन बहोरी, बहुत रो रो कर प्रार्थना की है, परिणाम क्या हुआ? विनय प्रेम वश भाई शीभूत, पत्थर की मूर्ति मुस्करा गई, आशीर्वाद दे दिया, सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, जो तुम्हारी मन कामना है वो पूर्ण होंगी। माँ का आशीर्वाद लेकर जानकी जी भवन को पूजा के पुष्प लेकर भगवान गुरुदेव के चरणों में रात्रि को भोजन विश्राम, और आज प्रातःकाल का सूर्योदय जानकी जी के भाग्य का निर्णय लेकर उदित हो रहा है। सब देश के राजे महाराजे सब रंग भूमि में शतानंद जी के द्वारा विश्वामित्र जी को बुलावा आया, दोनों राजकुमारों के साथ विश्वामित्र जी रंग भूमि में पधारे, लाखों नेत्र प्रभु का दर्शन, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, और सम्मंचन्ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुन समेत तथा बंद दो बैठा रे महिपाल। इधर सखियां जानकी जी को लाकर मंडप में आसन पर विराजित करती हैं, संकोच में नीचे को नेत्र चुक, सब बुजुर्ग सामने बैठे हैं, और अब जनक जी के बंदी जनों ने नगाड़े पर चोट की, बोले बंदी वचन भर सुनाओ सकल महिपाल, पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल, हे देश देश के राजाओं महाराजाओं, हम जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा कर रहे हैं, ये जो शंकर जी का कठोर धनुष है ये राहु के समान कठोर है और आपकी भुजाओं की शक्ति चंद्रमा के समान है,
जो भी राजा इस धनुष को चढ़ाएगा त्रिभुवन उसकी जय जयकार होगी और बिना ही विचार बरई हटते ही बिना किसी विचार के जानकी जी उसका वर्ण करेंगी। करो प्रयत्न। जो मूढ़ राजा थे, जो कामांध थे, इन ज्ञानियों की गूढ़ भाषा समझ नहीं पाए, वो तो गदगद हो गए, वाह हमारी ताकत चंद्रमा के समान। अरे इनको तो व्यंग किया गया था कि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य का प्रकाश लेना पड़ता है, और कहना चाहते बंदीजन कि सूर्य वंश के सूर्य भगवान राम विराजमान हैं, तुम क्यों उठक बैठक करते। दूसरा व्यंग कर दिया, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम बहन से विवाह करने आए हो, चूंकि चंद्रमा सागर का बेटा है और लक्ष्मी जी सागर की बिटिया हैं, तुम बहन से विवाह। लेकिन मूढ़ता के कारण से समझे नहीं हर गिरा निगूढ़ा, समझ नहीं पा रहे, कामांध है ना। वहां कुछ गढ़वाल के भी समझदार राजा गए थे जिनके कछु विचार मन माही, उन्होंने कहा काय को उठक बैठक कर रहे हो, चुपचाप बैठो, तमाशा देखो, लीला का दर्शन करो, भगवान राम आए हैं। धनुष तो बोल बोलो मैं कायर कमजोर कही के है, इतनी दूर से चल के आयो, काय को आए थे जब धनुष नहीं तोड़ना था। बोले हम कायर कमजोर नहीं है, हम गढ़वाली हैं, हम बहुत वीर हैं, हमारे मारे अच्छे अच्छे थर्राते हैं, हम तो शादी के ही भाव से आए थे, फिर क्या हो गया। बोले यहाँ आकर हमने अपना निर्णय बदल दिया। कारण? बोले यहाँ आकर पता लगा जानकी जी धरती की बेटी हैं और हम धरती के पति हैं, भूपति हैं, और जानकी जी भूमि की पुत्री हैं, इसका अर्थ है जानकी जी हमारी बेटी हुई, और कोई भी बाप अपनी बेटी से विवाह की बात भी सोचे इससे बड़ा कोई और पाप हो सकता है क्या। अब हमने विचार त्याग दिया। बोले अब काय को बैठे हो? बोले कन्यादान लेने को बैठे, अब हम कन्यादान लेकर जाएंगे, अब यहाँ का जल भी नहीं पिए। लेकिन मूढ़ राजा चले इष्ट देवन सिर नाई, गणेश जी को मना रहे हैं, हे विघ्नहर्ता, हे मंगलकर्ता, गणपत बापा मोरिया, कृपा करना, धनुष मुझसे तोड़वा दो, सलामन लड्डू रोज भोग में चढ़ाऊंगा। धनुष हिलने को तैयार नहीं, फिर प्रार्थना करता है, कोई बात नहीं, आपने मुझसे नहीं तोड़वाया, लेकिन मेरी प्रार्थना किसी और से भी मत तोड़वा दीजिए, ढाई मन चढ़ाया करूं। जो कह रहा है तोड़ूं तो मैं, न तोड़ूं तो कोई न तोड़े, और इस समाज की विडंबना है, समाज की समस्या का समाधान करें तो हम करें, हम न करें तो हम करने भी नहीं देंगे, किसी विरोध करें। और समाज में ये तमाशा है, अच्छे काम का विरोध कभी बुरे लोग नहीं करते, अच्छे काम का विरोध अच्छे ही लोग किया करते हैं, उनका अहंकार टकराता है कि हमारे रहते ये कौन पैदा हो गया नया। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि भूप साहस दस हजार राजा एक साथ धनुष पर। यहाँ किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न कर दिया, महाराज आप क्या तमाशा करने जा रहे थे, 10,000 राजा एक साथ मान लो धनुष उठ गया होता तो क्या जानकी जी की चटनी बनाकर बांट चुके थे, कोई उठा न ले उसको, दवाई रखो। जब किसी से धनुष तिल भर भूम न सके छुड़ाई, सब राजा तेजहीन होकर बैठ गए, सर्वनभ भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, एकदम तेज ही सन्नाटा। जनक जी मंच पर आ गए और जनक जी ने माइक संभाल लिया, डाइस पर आकर खड़े हो गए, और जनक जी ने ललकार का, ए राजाओं अगर मुझे ये मालूम होता कि धरती परशुराम जी ने धरती से क्षत्रियों को विहीन कर दिया है, धरती क्षत्रिय विहीन हो चुकी है, तो मैं इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेकर जगत में अपना उपहास नहीं कराता। अब जनको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो चुकी है, अब अपने को कोई वीर मत कहना। पूरी सभा में सन्नाटा। ये जो गढ़वाल के राजा गए थे, इनमें कोई हरिद्वार के टिहरी वगैरह के कोई रहे हो?
उन्होंने धीरे से कहा अब तो उठ लो, अब काई को बैठे हो, अब कुछ और सुने भी बची है का, बोले तुम जाओ हम तो नहीं, तुम क्यों बैठे? बोले हम तो आशा में बैठे। आशा काई की आशा? बोले धनुष तो किसी से टूटा नहीं और राजा कन्या को कुआरी घर में रखेगा नहीं, तो कोई ना कोई वृद्ध महात्मा जी से सलाह ले लेंगे तो कह देंगे कि भैया शादी तो करनी है, ऐसा करो वरमाला लेके घुमा दो, अब जिसको पसंद करेगी उसके गले में डाल देगी, हो सकता है अपना नंबर इसी में लग जाए। तो जब कोई राजा नहीं हिला तो जनक जी ने अपने सेवक से पूछा ये राजा जा क्यों नहीं रहे? बोले सरकार अभी इनको आशा है। आशा काहे की? बोले शायद वरमाला आप कराएं। एकदम जनक जी फिर माइक पर आ गए और फिर राजाओं को रोले लगा, ए राजाओं। राजा बोले क्या बात है? बोले ताजा हुआस। आशा में बैठे हो ना? बोले जी। बोले ताजा हुआस। आशा त्यागो। तो राजाओं ने पूछा फिर क्या करें? बोले निज निज गृह जाऊ, आशा त्यागो और अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तो राजाओं ने खड़े होकर हल्ला करना शुरू कर दिया, क्या गड़बड़ हो गई, क्यों वापस चले जाएं? तो जनक जी ने कह दिया कि लिखा नबी भी जी ने रोते रोते कह दिया विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में विवाह का मुहूर्त ही नहीं लिखा है। आप कल्पना करो किसी बाप की ऊपर क्या बीतेगी, बरात आई है और बेटी के बिना विवाह के बरात लौटी जा रही है, कैसी? जनक जी ज्ञानी थे, कभी रोते नहीं थे, आज बेटी के लिए भी बाप कितना फूट कर रो पड़ा, लेकिन रोते रोते भी ज्ञान शून्य नहीं है, संदेश दे दिया तजवास मेरी बेटी भक्ति है और जब तक भक्ति में आशा तृष्णा रहेगी भक्ति तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी। निज निज ग्रह जाओ, अपना अपना आत्मनिरीक्षण करो कि तुम भक्ति के योग्य हो या नहीं। इतना जनक जी ने बोला, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, भगवान क्षमा करना आज मुझे, कहीं जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रकुल बन जानी, जहाँ आप विराजमान हैं और वहाँ कोई कह दे वीर विहीन मही में जानी, किसी और ने बोला होता मैं सिर धड़क कर देता। और आज अगर जनक जी को धनुष तोड़ना ही वीरता का लक्षण दिखाई देता है तो जैसे हाथी कमल नाल तोड़ देता है ऐसे धनुष के दो टुकड़े कर दूं, सारे ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं, हजारों योजन लेकर दौड़ जाऊं। और अगर मैं नहीं कर पाया मैं सुमित्रा माँ के दूध की सौगंध खाकर कहता हूँ क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, आपको मोने दिखाऊं। दिग्पाल डगमगाने लगे, धरती कांपने लगी, मंडप झूमने लगा, राजा संकोच में, जनक जी छुप गए, लगता है कोई बड़ी भूल हो गई। लेकिन भगवान और जानकी जी मुस्कराने लगे, जानकी जी सोच रहे अब धनुष जरूर टूट जाएगा, क्योंकि ब्रह्म तो अकर्ता होता है, अकर्ता ब्रह्म में कर्ता का भाव दो, जीव ही बोलकर पैदा करता। जब लक्ष्मण जी ने भगवान की ओर देखा तो देखा प्रभु मुस्करा रहे, लक्ष्मण का भगवान कमाल है, मैं लाल हो रहा हूं और आप कुछ बोल नहीं रहे। भगवान का तेरा लाल होना बड़ा जरूरी है। बोले क्यों? बोले तेरा नाम ही लाल है, कोई लखन पीला कहता है, कोई लखन नीला कहता है, क्या कहते हैं? लखन लाल। बोले तू लाल है और तेरा लाल होना बहुत जरूरी था लखन। कारण? बोले पूरब दिशा में जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य तो बाद में उदित होता है, आकाश में पहले लालिमा आ जाया करती है, लालिमा तूने प्रकट कर दी, प्रकाश मैं प्रकट करने वाला हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं। मेघ गर्जन पहले करते हैं, वर्षा बाद में होती है, काल गर्जना तूने कर दी, कृपा की वर्षा मैं करूंगा। लेकिन सुन, तू क्या समझता है कि जनक जी की बात मुझे बुरी नहीं लगी? क्या मुझे भी बहुत बुरी लगी, पर मैं क्या करूं, गुरु जी जो बैठे हैं, जब तो गुरु जी आज्ञा न दें। और जैसे ही विश्वामित्र जी को भूल समझ में आई एकदम खड़े हो गए, भगवान के पास आए और पीठ थपथपा कर बोले राघव उठहु राम भज्यौ भव जामा भेटौ कांत जनक परितापर, उठहु राम भज्यौ भव जामा भेटौ कांत जनक परितापर, भेटौ कांत जनक परितापर, भेटौ कांत जनक परितापर, भेटौ कांत जनक परितापर।
समझ कर आग बैठो और धनुष को तोड़ दो। जनक जी के सेवक बोले, नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, धनुष चढ़ाने की सूचना तोड़। बोले, नहीं, धनुष टूटेगा। कारण? बोले, धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार तोड़ा जाता है। अहंकार को जितना चढ़ाओगे अहंकार उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाता है। अहंकार को तो बीच में से तोड़ना चाहिए, और अहंकार बीच में ही होता है भैया। न तो बचपन में अहंकार होता है, न बुढ़ापे में अहंकार होता है, जवानी में मरा जाता है अकड़ के मारे। हैं, हमारी जैसी सेंटी सी वहाँ वाला भी अकड़ता है, आए आ जा। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बार पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भ्रंग, हाड़े भय उठ सहज सुभाए, थवन युवा मृगराज लजाए, प्रभु धीरे धीरे मंच से। सुनैना जी रोने लगी, अरे सखी महाराज को जाकर समझाओ, बुद्धि बिगड़ी है। 10,000 राजा हिला नहीं पाए, रावण छू नहीं पाया, लौट गया देख कर ही, ये बच्चों का तमाशा है क्या? सेविका ने समझाया, महारानी जी घबराओ मत, ये बालक नहीं है, ये तेजस्वी है, तेजवंत लघु गनिय नरानी, धैर्य रखिए, पूरे जनकपुर के नागरिक भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं। हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे भवानी शंकर, हे पार्वती पति, हे अवडरदानी, हे भोले बाबा, आज तक जो कुछ हमने पूजा पाठ जप तप नियम व्रत अनुष्ठान दान तीर्थ सत्कर्म जो कुछ अच्छा काम किया है, सबका फल एक साथ दे दो। धनुष राघव जी के हाथ से तोड़वाओ, सुनैना जी की शंका मिटाओ, जनक जी की चिंता हटाओ, हमारी प्रतीक्षा जानकी जी के विरह को मिटाओ। प्रभु कृपा करो, सारे जनकपुर के नर नारी मनोती मना रहे हैं। और इधर जानकी जी, मन ही मन मनाव अकुरानी, 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 हो प्रसन्न भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, मन ही मन मनाव अकुरानी। जानकी जी बहुत मानसिक रूप से कुलाहट में, बहुत ज्यादा मन ही मन शिव पार्वती जी को याद करे, माँ आपके वरदान का फलित होने का समय आ चुका है, कितनी देर करोगी? गणेश जी को मना रहे, हे विघ्न हर्ता आप ही कृपा करो। एक बार जानकी जी ने पहली बार संकोच में नेत्रों को थोड़ा सा उठाया और प्रभु की ओर देखा, आंखों के कोए में आंसू, संकेत कर दिया भगवान, धैर्य की परीक्षा, सीमा के बाहर ज्यादा लोगे तो धरती की बेटी अंत में धरती में ही समा जाएगी, आपकी लीला धरी की धरी रह जाएगी। भगवान भी समझ गए, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जानकी जी शरीर छोड़ देंगी तो लीला का अर्थ क्या है? संकेत कर दिया जानकी जी बस, और जैसे ही भगवान ने धनुष को जाकर निगाह भर कर देखा, ताके हर को दंड, एकदम लक्ष्मण जी मंच पर दायना पेरस। स्वामी जी बोले, लखन ये तू क्या उठक बैठक करने लगा? बोले, गुरु जी आप मत बीच में बोलो, जाओ चिलम पिया अपने जाए, अब जो करना कर आओ। बोले, तू क्यों कर, तुझे क्या करना है? बोले, मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करनी है। तेरी क्या ड्यूटी है? बोले, भगवान ने धनुष तोड़ने का संकल्प ले लिया है और मैं शेषनाथ का अवतार हूँ, धरती मेरे शीश पर है, और धनुष टूटेगा तो इतनी भयानक टंकार होगी कि धरती हिल सकती है, और धरती में भूकंप आ गया, भूमि में कंप हो गया तो धरती की बेटी के विवाह में विघ्न आ सकता है, इसलिए मैं दिक्पालों को सावधान कर रहा हूँ। ऐ दिक्पालो सावधान, दिस कुंजरौ कमठै कोला, धरौ धरन धर धीर न डोला, राम चहे शंकर धर तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। ऐ दिक्पालो सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ के रखना, धरती हिल न जाए। और फिर लक्ष्मण जी ने पैर दबोचा, भगवान ने तिरछी निगाहों से लक्ष्मण जी की ओर देखा, लखन बोल क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया, भगवान पोजीशन ठीक है, लगाओ निशाना, होगी देखी जाएगी। जब तक काल ग्रीन सिग्नल नहीं देता तब तक भगवान में क्रिया नहीं होती, और उसी समय भगवान ने मानसिक रूप से मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया,
जनक सुनैना जी को प्रणाम किया, शिव पार्वती जी को प्रणाम किया, धरती को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, गणेश जी को प्रणाम किया, सारे नागरिकों की सांस थम गई, टकटकी लगाकर क्या घटना होने वाली है। और जैसे ही भगवान ने धनुष को एक ओर से पकड़ कर खींचा, पंडाल में इतनी जोर की चमक हुई के कड़ 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 गई। धनुष के दो टुकड़े, प्रभु शांत चित्त नीचे को दृष्टि किए, सखियां जानकी, बहुत सुंदर प्रसंग वरमाला का, बहुत मार्मिक प्रसंग। सखियां जानकी जी को वरमाला के सहित प्रभु के सन्मुख ले जाकर खड़ा करती, भगवान ऐसे नीचे को। आज एक माता जी ने बहुत सुंदर भजन गाया था, मुझे याद नहीं है, वरमाला के समय का था जहां मैं रुका हूं कर्ण जी के यहां, बहुत सुंदर भजन था उनका। प्रभु ऐसे खड़े जानकी जी वरमाला लेकर ऐसे, लेकिन प्रेम विवश पहराए न जाई, पहनाई नहीं जा रही, दोनों ही अर्थ पहना नहीं रही हैं या पहना नहीं पा रही हैं। बहुत देर हो गई तो सखियों ने कहा जानकी जी पहनाओ ना, बोले बोलो मत, तुम जरा तमाशा देखो। भगवान ने भी कहा जानकी जी पहनाओ ना, इतनी देर हो गई। तो जानकी जी ने भी धीरे से सरका दिया, बड़ी जल्दी हो रही है महाराज, आपको याद करो धनुष तोड़ने में आपने कितना तड़पाया है, जब तोड़ने में देर की है तो जोड़ने में तो देर होगी होगी महाराज, ये तो बराबर का हिसाब किताब है। आप जल्दी करते तोड़ने में तो मैं जल्दी पहना था। भगवान ने कहा अब हिसाबी किताब तो जीवन भर रहेगा, और रहेगा क्या, आप पहनाइए ना, मैं आपके सामने सिर झुकाकर खड़ा हूं, आपको शोभा देता है क्या। जानकी जी ने हाँ महाराज, क्या मतलब, बोले पति पत्नी के सामने हमेशा सिर झुकाकर खड़ा हो, इसी में शोभा है महाराज, परिवार की भी इसी में शांति रहेगी, और मुझे लगता है इस आज्ञा का पालन तभी से होता आ रहा है, पत्नी के सामने सिर झुका। कई संतों का ऐसा कहना है कि भगवान की और जानकी जी की आयु में काफी अंतर था, भगवान लंबे ज्यादा थे, जानकी जी छोटी थी, उम्र का भी काफी अंतर था। जानकी जी बहुत ही उचक रही है लेकिन हाथ पहुंच नहीं रहा, और भगवान कितने झुके, घोड़ा तो बन नहीं सकते, और बहुत तेरे हाई हील के सैंडल पहनकर आई थी लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, वो करें क्या। तो बीच का रास्ता निकाला गया, जानकी जी ने लक्ष्मण जी को संकेत किया, देवर जी अब आप सहायता करें, इसलिए तब से देवर नाम चला है। देवर माने जो वर को देता है, जो वर को देता है वही देवर है। देवर जी आप कुछ सहायता करो, आंखों आंखों में बात चले, होठ नहीं हिल रहे, क्या कर सकता हूं। और तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीष भूमि दरबारा, तुम्हारे शीष भूमि दरबारा, मही ऊपर तन दे उठाई, ऊपर उठाई, मैं जय माल सतम पे नाई,
जानकी जी ने नेत्रों के संकेत से कहा, देवर जी अब आप बीच में आओ, कुछ सहायता करो। क्या कर सकता हूँ माँ? बोले आप शेष नाग के अवतार हैं, धरती आपके शीश पर है, ऐसा करो मेरे पैरों की धरती को थोड़ी ऊंची कर दो, एक सिर ऐसे कर दो तो मैं वरमाला पहना दूं। तो लक्ष्मण जी ने आंखों से आंखों में बोल दिया कि कर तो सकता हूँ, मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन समस्या तो जैसी की तैसी बनी रहेगी। बोले कारण? बोले जितने उठे आपके हाथा उधर उतने ही ऊंच हों रघुनाथा, चूंकि धरती तो बराबर उठेगी, लेवल तो बराबर, बस समस्या तो वैसी की वैसी रहेगी। तो दोनों की आंखों के संकेत विश्वामित्र जी ने देख लिए कि कुछ आंखों आंखों में बात हो रही है। तो विश्वामित्र लक्ष्मण जी से पूछा, लखन क्या बात हो रही है? बोले माँ कहती हैं कि मेरे चरणों की धरती ऊपर कर दो। कर देना यार, आरती के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं, जल्दी से बधाइयाँ गाने को जल्दी कर वरमाला। बोले महाराज मैं ऊंचा नीचा कैसे करूं, मैं समाज में विषमता नहीं ला सकता। अरे बोले समता विषमता के चक्कर मत पड़ा तू, हर समय उपदेश उपदेश करता है, कैसे वरमाला करा, जो हो सो। बोले कुछ और करो। बोले कुछ भी कर भाई, वरमाला होनी चाहिए। और जैसे गुरु जी ने कहा कुछ भी कर, तो तुरंत लक्ष्मण जी ने भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कर दिया। और जैसे ही भगवान लक्ष्मण जी को उठाने झुके, सीता जी को मौका मिल गया, सीए जय माल राम और मेली, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। सब लोग गाने लगे, बड़े सजीने कृष्ण कन्हैया राधा प्यारी, बड़े सजीने कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी हरि वो, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, बड़े सजीने कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीने कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। सबसे निराली है कौनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया को राधा गोरी गोरी, सबसे निराली है कौनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया को राधा गोरी गोरी। और अब आगे परशुराम जी आते हैं, आज रोक देते हैं उनको, झगड़ा झंझट ठीक नहीं है, बहुत बढ़िया मीठा काम हुआ है। एक बार अभी खड़े मत होइए, बैठिए। रात्रि को सोते समय मैं जो एक क्रिया कराता हूँ, सोते समय बिस्तर पर बैठकर जो क्रिया की जाएगी उसका एक बार अभ्यास कर लीजिए, पहले भी कराया था। हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, आंखें बंद करिए, बंद आंखों से अंतरिक्ष में भगवान की मुस्कराती छवि का दर्शन करिए, ऐसा अनुभव करिए भगवान हमको देख रहे हैं, मंद मंद मुस्करा रहे हैं। जब भी भगवान का दर्शन करना हो हमेशा आँख बंद करके, अब मैं बोलूँगा बहुत प्यार से उसे दोहरा दीजिए, हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम कर दीजिए। बहन लोग प्रणाम करती हूँ बोल सकते हैं। फिर दूसरी बार हाथ उठाइए, आंखें बंद करिए, वही दर्शन अब मेरे साथ साथ बोलिए, हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ।
माथा टेकिए फिर प्रणाम करिए, फिर तीसरी बार हाथ उठाइए दर्शन करिए, फिर बोलिए हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। माथा टेकिए प्रणाम कर दीजिए। ये क्रिया सोते समय बिस्तर पर जाकर होगी और फिर चादर ओढ़कर सो जाइए, कुछ ही दिन में आपको बहुत अच्छे स्वप्न आने लगेंगे। लेकिन अपने स्वप्न की चर्चा किसी को मत करिए। शेष यहाँ से आगे की कथा का दर्शन कल सायंकाल 4 बजे। आज पूज्य शास्त्री जी पुनः पधारे, बड़ी कृपा की, उनके चरणों में मेरे प्रणाम से सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। एक बार जय जयकार बोलिए, गंगा मैया की जय। अब सूचना सुनेंगे, आरती गाएंगे, तब जय। श्री श्री रविशंकर जी के प्रिय शिष्य एवं भजन सम्राट सिद्धार्थ मोहन जी अभी 7 बजे से अपने भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया भजनों का आनंद अवश्य लें। श्री श्री रविशंकर जी के प्रिय शिष्य एवं भजन सम्राट सिद्धार्थ मोहन जी के अभी 7 बजे से भजन प्रस्तुत होंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया भजनों का आनंद अवश्य लें। सभी सज्जनों को प्रसाद यही वितरण होगा, कृपया अपने स्थान पर बने रहें। पूज्य आरती के लिए श्री मनोज गर्ग जी, डॉक्टर विजयपाल सिंह जी, श्री अविनाश ओहरी जी, श्री राजेश चावला जी, श्री इमती एवं श्री वी के तलवार जी, श्री हरीश कुमार राठौर जी, श्री विष्णु शरण अग्रवाल जी, श्री मुरारी लाल जी अग्रवाल, लक्ष्मण झूला, श्री राजकुमार जी अग्रवाल, श्री अशोक सिंगल जी, डॉक्टर कैलाश जी मथुरा, श्री भगवान दास जी ढींगड़ा मोदीनगर, श्री विमल कुमार जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री एम पी चौधरी जी आर्यनगर, श्री चंद्रप्रकाश जी तनेजा, श्री वीरेंद्र पावा जी, श्री रविंद्र बालिया जी, श्रीमती पंकज सहगल जी, श्रीमती डॉक्टर के अग्रवाल जी, श्री ठाकुर इंद्रपाल सिंह जी, श्री सुरेंद्र कुमार खगड़िया जी एवं मित्रगण दिल्ली। राजा राम तेरी आरती उतारू, आरती उतारू मैं तो कर पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य कौशल जी महाराज की जय। सभी संत समाज की जय। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रसाद सभी के लिए प्रसाद आपके पास ही आएगा, अपने स्थान पर ही बैठे रहें, प्रसाद आपको वहीं मिलेगा। पूज्य महाराज श्री की वाणी में गाई हुई श्री राम कथा की सीडी हॉल के बाहर श्री राम कथा गंगा स्टॉल पर उपलब्ध हैं।
जो भक्त लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वहां से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। हेलो अनुयायी, सिद्धार्थ मोहन जी के द्वारा मुखार बिंदु से भव्य भजन संध्या का आनंद लें। अभी सभी को प्रसाद वहीं अपने स्थान पर वितरित होगा। सभी से विनम्र प्रार्थना, विनम्र निवेदन।